नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुछ कानून बने हुए हैं यूएई के। जी हाँ, जो लगभग वहाँ आप रहते हो आपको तो भाई लगभग वो पता ही होता है, लेकिन बहुत दुनिया फ्रेश जाती है या घूमने के लिए जाती है। दैट्स नॉट मैटर कि आप घूमने के लिए गए हो 10 दिन के लिए तो आपके ऊपर कानून लागू नहीं होते हैं। 100% होते हैं जो वहाँ पे लाइफ टाइम से रह रहे हैं, चाहे आप 10 दिन के लिए जाओ, कानून वहाँ पे सेम होते हैं। 9 कानून ऐसे मैं बताऊंगा कि ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज़्यादा इनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो तो भाई जुर्माने के साथ साथ जेल भी आपको भोगनी पड़ सकती है। 9 पॉइंट मैं ऐसा बताऊंगा, आप उनको गौर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 9 पॉइंट। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं, यूएई में आपने देखा होगा यूएई में साथियों की रोड क्रॉस करने का भी एक तरीका होता है। इंडियन नहीं है कि भाई आंखें बंद, हाँ इधर से नहीं आ रहा, इधर से नहीं आ रहा, भाग गए, ऐसा नहीं होता। चाहे साधन दोनों तरफ से नहीं आ रहे हैं, गाड़ियां दोनों तरफ से नहीं आ रहे हैं, जब तक रेड बत्ती है, रेड सिग्नल है, आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते, चाहे रोड खाली पड़ी है। आपको चाहे आप कितनी भी जल्दबाजी में हो, कितनी भी आपको लेट हो रही है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रेड क्रॉस के बाद में ग्रीन सिग्नल होने के बाद उसके ऊपर निशान होते हैं, कुछ पट्टियां बनी हुई होती हैं, उनके ऊपर से आपको गुजरना होता है। अगर आगे पीछे इधर उधर से गुजरे और रेड पट्टी को अगर क्रॉस कर लिया, 400 दुबई दराम फाइन है, यूएई दराम। जी हाँ साथियों, आप 400 का देख लीजिए कितना बनता है, 400 का मतलब 8-9 हज़ार रुपये आपका जुर्माना लग सकता है। एक नंबर। दो नंबर पर बात करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं पर भी खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, समझ रहे हो, कहीं पर अपन मोबाइल से क्लिक कर रहे हैं। दुबई में एक नियम बना हुआ है कि किसी भी जगह अवैध तरीके से फोटोग्राफी करना, वीडियो बनाना बिल्कुल गलत है, ये साइबर अपराध के तहत ये मुकदमा होता है। जी हाँ, अगर आप मान लीजिए सेल्फी ले रहे हैं किसी लेडीज की, किसी जेंट्स की, उसमें तस्वीर आ रही है, तो भाई दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो तस्वीर आपको इस तरह से लेनी है कि उस तस्वीर में कोई दूसरा नहीं दिखे। हालांकि लोग लेते हैं, चल जाता है, लेकिन किसी ने शिकायत कर दी तो 1.5 लाख दुबई दराम से 2 लाख दुबई दराम के साथ साथ जेल का भी प्रावधान है। जी हाँ साथियों, तो ये स्ट्रिक नियम है, इस बात का ध्यान रखें। सेल्फी लेना आम आदमी की आदत है, लेकिन देख ले भाई पीछे कोई लेडीज और जेंट्स नहीं आ रहे हैं, और खास तौर से यूएई दुबई के लोकल आदमी, दूसरे तो इतना गौर नहीं करते, वो लोग गौर करते हैं क्योंकि वहां पे कानून बना हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखें। 3 नंबर पे बात करेंगे साथियों, आपके पास सोशल मीडिया है, आजकल चलता है कुछ भी टाइप करके एक दूसरे के खिलाफ में, धर्म के खिलाफ में बात करना, गलत बोलना, ग्रंथों के बारे में, बाइबल, गीता, कुरान, आप ये नहीं कर सकते यूएई दुबई में। जी हाँ साथियों, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ में, निजी विचारों के खिलाफ में अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ लिखा, कुछ गलत टिप्पणियां की, तो आपके खिलाफ जुर्माना, जेल प्लस आपका यूएई से आउट, लाइफ टाइम के लिए बैन। धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना तो सबसे बड़ा बैन वहाँ पे गुनाह है भाई, इस बात का ध्यान रखा। पिछले मैंने 2-3 वीडियो भी बनाए थे, कितने लोग निकाल दिए गए थे यूएई से। धर्म के खिलाफ सोशल मीडिया पे आप नहीं लिख सकते, कानूनी जुर्म है। आगे बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट पे, आपने देखा होगा भाई अपने इंडिया में चल जाता है, इधर आना ओ इधर आना, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने यूं ऐसे ऐसे इशारेबाजी कर दी ना, तो अगले ने शिकायत कर दी। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने दोस्त को इशारा कर रहे हो, उसके पीछे कोई और खड़ा है, कोई लेडीज खड़ी है, कोई जेंट्स खड़ा है, आप यूं इशारा कर रहे हो, यूं कर रहे हो, तो पीछे वाला क्या सोचेगा कि आपको भी उसको इशारा किया जा रहा है, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है भाई। जेल, जुर्माना दोनों ऑप्शन है इसमें साफ साफ, और यूएई में आपको पता है ऑन द स्पॉट ही हो जाता है सब कुछ, तो इस बात का ध्यान रखें, इशारा करते समय कोई दूसरा आसपास में आपके पास नहीं होना चाहिए। इस नंबर पे बात करते हैं साथियों, आपने देखा होगा बहुत सारी दुनिया के पास कारें हैं आजकल, तो जो विदेशी लोग अपने इंडिया, मान लीजिए यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, जो अच्छी सैलरी है, जिनके पास 4,000-5,000 दराम से ऊपर सैलरी है, वो भी कार रख लेते हैं। दुबई में आप सबको पता है साथियों, सार्वजनिक जगह पे, पार्क में, सार्वजनिक जगह पे, रोड पे, रस्ते में आप वहाँ पे अपनी कार वॉश नहीं कर सकते। जी हाँ, अपने बिल्डिंग के सामने, अपने तो भैया इंडिया में तो सब चलता है, लेकिन वहाँ पे नहीं चलेगी ये बात, तो इस बात का ध्यान रखना है कि सार्वजनिक जगह पे, चाहे आप रस्ते पे हो, चाहे आप अपनी बिल्डिंग के नीचे खड़े हो, चाहे आप पार्किंग में खड़े हो, पार्क में खड़े हो, वहाँ पे अपनी कार वॉश नहीं कर सकते। इसके लिए वहाँ पे निश्चित जगह पे स्टेशन बनाए गए हैं, जी हाँ वहीं सर्विस सेंटर बनाए गए, वहीं पे आप अपनी कार साफ करवा सकते हैं, कार क्लीनिंग करवा सकते हैं। अगर इसके अलावा किया तो भाई जुर्माना और जेल के साथ साथ जुर्माना भी दोनों ऑप्शन बन जाते हैं। आपने देखा होगा दुबई यूएई में कि लोग शॉप के बाहर, हर शॉप के बाहर
कूड़ेदान स्टील के बने हुए होते हैं, जी हाँ, सिगरेट पी रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन वो आप रोड पे नहीं डाल सकते। कचरा पत्र वहाँ पे बना हुआ है, टिन के डिब्बे, उसी में ही आपको डालना होता है। अगर आप बाहर डाल रहे हो, सीसीटीवी में कैद हो गए, तो आपका जुर्माना तय है, जी हाँ, जेल भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, आपकी टोपी, आपका सिगरेट, कुछ भी खाने पीने के सामान, हर शॉप के आगे कुछ न कुछ टिन का डब्बा बना हुआ होता है, उसमें डालिए, रोड पे नहीं डाल सकते आप। सात नंबर पॉइंट पे बता दूं साथियों, छोटा सा हालांकि बहुत बड़ा अपडेट है ये, लेकिन नॉर्मली लोग मान लेते हैं, किसी को भी आपने अपना किसी से पैसे उधार लिए, किसी को बदले में चेक दे रहे हो, छोटा चेक आपका 100 दिरहम का हो चाहे 1 लाख दिरहम का, नॉट मैटर, कितने का भी हो, देख के भूल मत जाइए भाई, 100% ये आपराधिक मामला बन जाता है दुबई में, ठीक है, यूएई में इसको अपराध माना गया है। तो चेक देते हो तो जब तक ये चेक क्लियर नहीं हो जाता, वो कैंसिल नहीं हो जाता, उसको ध्यान रखना है, वरना जुर्माने के साथ जेल निश्चित है। आठ नंबर पॉइंट में बात कर लेते हैं भाई डोनेशन, जी हाँ, आपने पता होगा डोनेशन, लोग पैसा मांग लेते हैं भाई, तू पैसे दे, इधर उधर सोशल मीडिया पे फैलाना या लोगों से पैसा इकट्ठा, चंदा इकट्ठा करना, किसी भी नाम से, धर्म के नाम से, कोई संस्था के नाम से, बिल्कुल ये गलत है, यूएई में इसके कानूनी अपराध माना गया। आप चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते, डोनेशन नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपके पास रजिस्टर्ड संस्था है, वैलिड संस्था है, आप लीगल तरीके से काम कर रहे हो, तो आप चंदा ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप 20 आदमी ने सोचा कि हमें 100 लोगों से चंदा लेना है, या चंदे आप मांग रहे हो, लोगों से डोनेशन ले रहे हो, किसी भी के नाम से, गरीब के नाम से, हेल्पिंग के नाम से, या फिर कोई डोनेशन वगैरह वगैरह कोविड-19 के नाम से, आप डोनेशन नहीं ले सकते, इलीगल है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लास्ट में बता दूं साथियों कि चुगली, जी हाँ, नॉर्मली में कान में फुसफुसाना, धीरे धीरे एक आदमी दूसरे के बारे में कान में बोलता है, तो इसको अपनी भाषा में चुगली बोला जाता है। जी हाँ, आप यूएई में ये अगर कर रहे हो, आप अपने दोस्त के कान में चुगली कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन का, किसी कंपनी के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, वो न्यूज उसके पास चली जाती है, तो भाई आप कानूनी कार्रवाई के हकदार बन जाते हो, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अपने साथी के साथ में दूसरे की आप उसकी बुराई नहीं कर सकते, चुगली नहीं कर सकते, जी हाँ, ये यूएई का कानून बना हुआ है। आप कंपनी के खिलाफ कर रहे हो, किसी मित्र, किसी दूसरे थर्ड पर्सन के खिलाफ कर रहे हो, तो गोपनीयता का मामला भी बन जाता है, मान हानि का मामला भी बन जाता है, क्योंकि आप दूसरे पर्सन की, थर्ड पर्सन की इज्जत अपने दोस्त के सामने नीलाम कर रहे हो। जी हाँ, आपको 9 पॉइंट मैंने बता दिए साथियों, इन 9 पॉइंटों का अगर आप ध्यान रखोगे तो यूएई दुबई में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। अगर इनमें से भाई काफी सारे लोगों को सकता है कभी इस चीज की सामना करना पड़ा होगा, तो जुर्माना भुगतना पड़ सकता है जब तक अगला सामने वाला शिकायत नहीं कर दे, तो इस बात का ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।